आज हम पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा एक केस उसमें रह गया था कि हम अनसर्टेनिटी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी इंटरवल का टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में जो कि हम स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है जी, कि अगर आपने अनसर्टेनिटी निकालनी है टाइम पीरियड के अंदर तो आप जो लीस्ट काउंट है उस टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दें, उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड डिवाइड कर कर दें, तो दें। आपके पास अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड आ जाएगा। कैसे जी? मिसाल के तौर पे, अच्छा इसका फार्मूला पहले लेते हैं। अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, वो आपके पास फार्मूला होता है जी, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच भी कहते हैं, अगर आप स्टॉप वॉच नहीं कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, वैसे स्टॉप वॉच ही हम यूज़ करते हैं टाइम इंटरवल निकालने के लिए। तो आप ये कहते हैं जी लिस्ट लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, या स्टॉप वॉच कह दें, उसको डिवाइड आप कर दें जी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ, तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड आ जाएगी। इसकी जो एग्जांपल बुक में दी है उसमें उन्होंने बताया है कि आपके पास जो टाइम पीरियड, आपने जो टाइम निकाला है 30 वाइब्रेशन का, ठीक है जी, जो एग्जांपल आपकी बुक में है उसमें लिखा है जी, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है उसमें टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन जो गिवन है, टाइम फॉर 30 वाइब्रेशन वो उन्होंने दिया है जी 54.6 सेकेंड, कितना जी 54.6 सेकेंड। ठीक है, अब देखें इसका मतलब ये है, एक वाइब्रेशन क्या होता है, एक वाइब्रेशन का मतलब है कि बॉडी जो है एक एक्सट्रीम पोजीशन से मूव करना शुरू करे और मूव करके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आए और फिर दोबारा उसी पुरानी पोजीशन पे वापस जाए, तो हमारे पास क्या होती है वो एक वाइब्रेशन के इक्वल होती है, यानी कि एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो होता है मेन पोजीशन के गिर्द उसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे कि आप वो फ्री फॉल मेथड से जब जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया था मैट्रिक लेवल के ऊपर, तो आप टाइम पीरियड फाइंड करते थे उस वैल्यू वैल्यू ऑफ जी निकालते हुए फ्री फॉल मेथड से, आप टाइम पीरियड निकालते थे, तो आप क्या करते थे वो जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें एक वो रॉड होता है उसको आप एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते थे और फिर उससे आप 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड या 30 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद आप जितनी वाइब्रेशन की होती थी उस टाइम को आप क्या करते थे उस नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड कर लेते थे। ठीक है ना, तो ये तो हमारे पास 30 वाइब्रेशन का टाइम है ना, कितनी वाइब्रेशन का टाइम है 30 वाइब्रेशन का, तो टाइम फॉर ऐसे लेते थे नंबर ऑफ वाइब्रेशन, क्या जी नंबर ऑफ वाइब्रेशन वो हमारे पास कितनी है जी 30, समझ आ गई। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है जी, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, टाइम टेकन फॉर वन वाइब्रेशन, ठीक है ना, तो 30 वाइब्रेशन का वो इतना टाइम ले रहा है, तो एक वाइब्रेशन का हमें निकालना हो या वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम 54.6 को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 30 के ऊपर, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से इग्नोर करते हैं, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.82 सेकेंड, यानी कि उस बॉडी को जो है अपना एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने में जो है कितना टाइम लग रहा है जी 1.82 सेकेंड। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, यानी कि इसमें कितनी ये वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब इसमें कितनी गैर यकीनियत पाई जाती है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे जी अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड निकालेंगे। तो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइड बाय, या टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये जो इन्होंने मेजर किया है ना, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये टाइम इन्होंने मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट जो बुक में दिया गया है वो लीस्ट काउंट दिया है उन्होंने 0.1 सेकंड, कितना दिया है जी 0.1 सेकंड, यानी कि जिस स्टॉप वॉच से उन्होंने ये टाइम मेजर किया है
उसका लीस्ट काउंट उन्होंने कितना दिया, 0.1 सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक जो है वो सही पैमाइश कर सकता है टाइम को, ठीक है ना। 1/10 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड तक जो है वो बिल्कुल ठीक पैमाइश कर सकता है, या उसकी वैल्यू हमारे पास उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्टॉप वॉच से आ सकती है। तो जब हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, तो उसका फार्मूला अभी हमने लिखा है, वो क्या लिखा है जी, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच जो कि आपको दिया है 0.1 सेकेंड, कितना दिया जी 0.1 सेकेंड, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। हमने यहाँ कितनी वाइब्रेशन का टाइम लिया था, 30 का, तो उससे हम किससे डिवाइड कर देंगे जी, 30 से, ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है जी, 0.003 सेकेंड, यानी कि जो हमारे पास टाइम में अनसर्टेनिटी आएगी वो 0.003 सेकेंड तक आएगी, ठीक है। अगर हम अब फाइनल टाइम पीरियड लिखें, यानी कि फाइनल रिजल्ट लिखें अनसर्टेनिटी के साथ, तो फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी जो हमारे पास टाइम पीरियड आया था 1.82 सेकेंड, 1.82 सेकेंड प्लस माइनस ये अनसर्टेनिटी की वैल्यू 0.003 सेकेंड, समझ आ गई। यानी कि हमारी वैल्यू अगर चेंज हो सकती है टाइम पीरियड की, तो इससे 0.003 कम हो सकती है या इससे 0.003 ज़्यादा हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस वैल्यू से, 1.82 से 0.003 कम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.82 के अंदर 0.003 आप ऐड कर लें उतनी मैक्सिमम हो सकती है। यानी कि हमारी वैल्यू इन दो वैल्यू के दरमियान जो है मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान चेंज हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये मतलब इतनी इसके अंदर थोड़ी सी गैर यकीनियत या गलती जो है या अनसर्टेनिटी जो है वो पाई जाती है। आगे समझ। अब आप देखें, हम अगर इस अनसर्टेनिटी को और कम करना चाहें, 0.003 है ना, हम अगर इस अनसर्टेनिटी को और कम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं जी नहीं, ये तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ गई, हम इससे भी एक्यूरेट रिजल्ट लाना चाहते हैं, या हम अपनी अनसर्टेनिटी जो मौजूदा अनसर्टेनिटी है उसको और कम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 30 वाइब्रेशन का टाइम लिया था, ठीक है ना, तो हम अपनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा कर देंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा करने की वजह से ये जो डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है ये बड़ा होता जाएगा ना, यहाँ पे अनसर्टेनिटी के अंदर ये क्या थी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन थी ना 30, अगर हम मिसाल तो अभी यहाँ 40 कर देते हैं तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारे पास अनसर्टेनिटी और छोटी आ जाएगी। आगे समझ, ठीक है ना। और अगर आप कहते हैं जी और अच्छा रिजल्ट आए और अनसर्टेनिटी कम हो, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ज़्यादा ले लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन के आपके बढ़ाने से आपकी जो अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड के अंदर वो मिनिमम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आगे समझ, ठीक है जी।